नमस्ते फ्रेंड्स, आइए आज हम फिर चर्चा करेंगे एट क्लास के लिए। और हमारा चैप्टर नंबर थर्ड था, उसमें स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक हम पढ़ रहे थे, और संश्लेषित रेशों के बारे में हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने रेयान के बारे में पढ़ा था कि रेयान कैसे बनता है और किस तरह से ये कास्ट की लुगदी से तैयार होता है रेयान, और एक ये कृत्रिम धागा है, और इससे हम घरों में गलीचे, उनके कपड़े और अनेक प्रकार के हम इसे यूज लेते हैं। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। पहले हमारा चैप्टर थर्ड नाम है संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक। ये हमारे चैप्टर का नाम। आगे देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे संश्लेषित रेशे और उसने सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा था रेयान। आज हम पढ़ेंगे सेकंड नायलॉन। स्टूडेंट्स, ये भी एक मानव निर्मित धागा है या रेशा है। जिसको सबसे पहले 1931 में तैयार किया गया था, इसमें इसको बिना किसी प्राकृतिक पदार्थ जैसे कपास या फिर कागज इसको बिना किसी प्राकृतिक पदार्थ के उपयोग से तैयार किया जाता है। इसमें क्या होता है, कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? एक तो इसमें होता है कोयला, फिर होता है इसमें जल, और उसके बाद वायु। इन तीन घटक की सहायता से स्टूडेंट्स नायलॉन रेशा तैयार किया जाता है। हम पढ़ रहे हैं संश्लेषित जो रेशों में इसका जो उपयोग है बहुतायत से होता है, जैसे पैराशूट बनाने में, पहाड़ों पर चढ़ाई के लिए जो रस्सियां तैयार होती है वो भी नायलॉन की ही तैयार होती है। यदि एक तरह से हम बात करें तो नायलॉन का जो रेशा है वो एक धातु या लोहे के रेशे से भी ज्यादा मजबूत होता है।
और यही कारण है कि इसे औद्योगिक दृष्टि से सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। किसको? नायलॉन। रेयान तो क्या है कि हमें हम घरेलू उत्पादों में काम में लेते हैं, गलीचा बनाना है, चादर बनानी है, इनमें काम में लेते हैं। बट जो नायलॉन है वो औद्योगिक उत्पादन के दृष्टि से या औद्योगिक जो उत्पाद बनाते हैं उनमें सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। और ये देखो, यहाँ तक कि पैराशूट जो इतना मजबूत बनाया जाता है और पहाड़ों पर चढ़ने की रस्सियां जो इतनी मजबूत होती है वो सभी नायलॉन से बनाई जाती है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, यहां पर एक बिंदु आता है कि किसी रेशे की सामर्थ्यता क्या है, क्षमता क्या, कैपेसिटी क्या है। कहते हैं साहब इसकी कितनी कैपेसिटी है, धागे की कैपेसिटी कैसे आप ज्ञात कर सकते हैं, कैसे ज्ञात करें, मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। धागे की कैपेसिटी, जैसे आपने क्या किया कि एक पोल के साथ छड़ बांधी और यहां पर एक धागा आपने बांध दिया और धागे के नीचे यहां पर तस्तरी प्लेट इस तरह से लगा दी, इस पर हम अपनी मर्जी और उतने बाट वजन जिसे कहते हैं वो हम रख सकते हैं। फ्रेंड्स, हम जब बात करेंगे कि इसका स्टैंड है, ये छड़ हमने लगाई थी और ये धागा या रेशा, और यहां हम वजन बोल दें या हम इसे बोलते हैं बाट, वो रखेंगे। स्टूडेंट्स, यहां धागा बांधा और यहां पर हम धीरे धीरे वजन रखना प्रारंभ करेंगे, तब तक रखेंगे जब तक ये धागा टूट नहीं जाता। जिस वजन पर ये धागा टूट जाता है, ये रेशा टूट जाता है, वह वजन उस रेशे की कैपेसिटी है, वह वजन उस धागे की कैपेसिटी है, सामर्थ्य है उसका। अलग अलग धागों की अलग अलग कैपेसिटी होती है, पर आप देखेंगे कि जो नायलॉन होता है उसके धागे की कैपेसिटी आपको सर्वाधिक मिलेगी। यानी हम यहां चेक कर रहे हैं रेशे की कैपेसिटी, क्षमता बोल दें, सामर्थ्य बोल दें या कैपेसिटी बोल दें, तीनों का एक ही मीनिंग है। वो हम चेक कैसे करेंगे तो आपको मैंने बताया, आप यहां पर अलग अलग तरह के चार प्रकार पांच प्रकार धागे ले लें और आप यहां पर वजन रखते जाइए और सबके लिए चेक करेंगे किस वजन पर कौन सा धागा टूटता है। आप देखेंगे अलग अलग धागों की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो अलग अलग होती है। अब आप क्या करें, यहां पर यह अनिवार्य जरूर है कि प्रत्येक धागे की मोटाई और लंबाई समान होनी चाहिए। जब किसी भी धागे की मोटाई या लंबाई में परिवर्तन होता है तो उसकी सामर्थ्यता भी बढ़ जाती है, उसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है और उसकी क्षमता है वो चेंज हो जाती है, समझे। तो यहां पर चेक करें, आप प्रयोग करें तो ये जरूर ध्यान रखें कि प्रत्येक धागे की लंबाई और मोटाई सभी धागों की समान होनी चाहिए ताकि आप उनको चेक कर सकते कि एक्चुअल इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी सामर्थ्यता कितनी है। आप देखें यहां पर आप पोलिस्टर ले लें, रेशम ले लें, रेयान ले लें या सिंपल धागा ले लें, कपास का ले लें और उन पर आप ये प्रयोग दोहराएंगे तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग जो अपने धागे उनकी कैपेसिटी है वो अलग अलग आप पाएंगे। आगे देखिए, जो अभी हमने पढ़ा है सामर्थ्य के बारे में, ओके। नेक्स्ट हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे कि पॉलिएस्टर क्या होता है और
एक्रिलिक क्या होता है? पॉली मतलब बहुत सारे, एस्टर मतलब एस्टर जिसमें बहुत सारे घटकों का संयोजन होकर जो धागा बनता है, रेशा बनता है, उसे पॉलिस्टर कहते हैं। पॉलिस्टर स्टूडेंट एक ऐसा धागा होता है या पॉलिस्टर से ऐसा एक मतलब जो फैब्रिक तैयार होता है कि उस फैब्रिक से बनने वाले कपड़े को मेंटेन करना बहुत ही आसान होता है, उनमें जल्दी से सलवटें नहीं पड़ती है, उनको आसानी से हम धो सकते हैं और उन्हें यूज करना काफ़ी ईजी होता है। तो जो पॉलिस्टर है उसका प्रचलन बहुत मात्रा में, बहुत आयत में चलता है, सस्ता भी होता है, प्लस इसको यूज करना भी आसान है, इसे धोना भी आसान है और इसमें सलवटें भी जल्दी से नहीं पड़ती है, इसलिए जो पॉलिस्टर का जो उपयोग है वो बहुत ज़्यादा बहुत हद तक होता है। अब देखिए पॉलिस्टर के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि हमारे आसपास जितने भी यानी वस्त्र उद्योग है, जितने भी वस्त्र बनाए जाते हैं वो ज़्यादातर पॉलिस्टर में ही बनाए जाते हैं क्योंकि वो हिफाजत सस्ते होते हैं, लोगों की पहुंच तक होते हैं, हर कोई उन्हें खरीद सकता है, उन्हें यूज करना आसान है और उनमें जो सलवटे वगैरह है वो भी कम पड़ती है। टेरेलिन इसका एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, टेरेलिन एक पॉलिस्टर का बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। बाकी आपने देखा होगा कि पैट, पैट मतलब होता है कि पॉली एथिलीन टर्थेलेट जो पैट का फुल फॉर्म है, आपने आपको बताता हूँ, पैट PET और इसका नाम है पॉली एथिलीन टर्थेलेट, एथिलीन और टर्थेलेट इसका नाम है। ये बहुत ज्यादा प्रचलन में क्यों है? क्योंकि इससे जो हम देखते हैं कि बोटल्स, जितनी बोटल्स बनती है वो सारी बोटल्स इससे बनती है। जो रील बनती है कैमरे की, इसे फिल्म बोलते हैं अपन, वो भी इसी से बनती है, इससे पैड से बनती है, पॉली एथिलीन टर्थेलेट से ही बनती है। और जैसे हम बहुत सी चीज़ें उपयोग में लेते हैं, बर्तन है प्लास्टिक के, तार है प्लास्टिक की, बर्तन तार ये सब पैड से निर्मित होते हैं। स्टूडेंट्स आप अपने आसपास नजर घुमाओगे तो बहुत सी वस्तुएं आपको पैट से निर्मित होगी या पॉलिस्टर से निर्मित होगी। पॉलिस्टर मीन्स पॉली प्लस एस्टर। स्टूडेंट्स पॉली मतलब होता है बहुत सारे, पॉली का मतलब होता है बहुत, अनेक, और एस्टर एक रासायनिक है, एस्टर एक रासायनिक रसायन है जो विभिन्न प्रकार के जो पुष्प हैं उनको गंध देने का काम करता है। तो एक रसायन है, जब एक समान प्रकार के रसायन मिलकर जो धागा तैयार करते हैं उसे पॉलिस्टर कहते हैं, पॉलीएस्टर। एस्टर मतलब रसायन, पॉली यानी बहुत सारे, जब बहुत सारे एस्टर मिलकर एक धागा बनाते हैं तो वो है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। आगे देखते स्टूडेंट्स हम चर्चा करते हैं कि पॉलिस्टर के कौन कौन से फॉर्म होते हैं। पॉलिस्टर में देखो आपको बताऊं, पॉलीकोट, पॉलीवूल और टेरिकोट। एक होता है पॉलीकॉट, एक होता है पॉलीवूल और एक होता है आपने टेरिकोट। ये तीन तरह के पॉलिस्टर
बहुतायत से काम में लिए जा रहे हैं। इनके उपयोग से दो तरह के कपड़े बनते हैं, दो प्रकार के कपड़े बनते हैं। फर्स्ट जो है वो स्टूडेंट्स पॉलीवुलिया, जो पॉलीकोट है या पॉलिस्टर है, पॉलीवुलिया जो पॉलीकोट है और प्लस कपास, इससे तैयार होते हैं। और दूसरा पॉलीवोल यानी पॉलिस्टर और प्लस ऊन से तैयार होते हैं। तो दो तरह के कपड़े इनसे तैयार किए जाते हैं। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, अच्छी तरह पढ़ें समझें, होमवर्क जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।